दोस्तों क्या आप देखना चाहते हैं ऐसा व्यू वॉटरफॉल का नज़ारा रोपवे से, तो उसके लिए तो आपको जबलपुर ही आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे जबलपुर की चौथी वीडियो में स्वागत है। आपने दूसरी वीडियो में तो देखा कि किस तरह से मैं वॉटरफॉल का नज़ारा सामने से ले रहा था, और तीसरी वीडियो में आपने देखा कि जो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में मार्बल रॉक्स हैं सुंदर, उसका नज़ारा किस तरह से लिया हमने नौका विहार से। अब हम धुआंधार जो वाटरफॉल है उसका आनंद लेने रोपवे से पहुंच चुके हैं टिकट घर के पास। देख सकते हैं आप, टिकट तो मैं ले चुका हूं। अब मेरे को लाइन में कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की संख्या आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। बहुत एक्साइटमेंट है दोस्तों, क्योंकि धुआंधार वाटरफॉल मैंने सामने से तो देख ही लिया है, जिसका आनंद बहुत ज़्यादा आया मेरे को। मैं तुरंत ही रोपवे करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा पहले मार्बल रॉक्स क्यों ना देख ली जाए। तो कुछ देर बाद जब मैं रोपवे पर चढ़ूंगा तो एक समय गुजरने के बाद उस वाटरफॉल को दोबारा देखने का आनंद ही कुछ अलग होगा। और देख सकते हैं हमारी रोपवे स्टार्ट हो चुकी है और सूरज किसी भी वक्त ढल सकता है। क्या सुंदर नज़ारा रोपवे से लग रहा है। मैं धुआंधार वाटरफॉल का इंतजार कर रहा हूं और मेरे साथी साथ बैठे हैं वो कैमरे में इन सुंदर तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। देख सकते हैं चारों तरफ कितनी सुंदरता है, वाइट मार्बल्स यहां से भी दिख रहे हैं। जल्द ही मैं आपको वाटरफॉल दिखाने वाला हूं और देख सकते हैं अभी बैक साइड है, देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से नर्मदा नदी दोनों तरफ जो वाइट मार्बल्स हैं उनके बीच से गुजर रही है। और रोप वे से इस चीज़ को देखते हुए कितना बढ़िया आनंद आ रहा है। और आप देख सकते हैं वाटरफॉल, वाह दोस्तों वाह, मज़ा आ गया। देख सकते हैं आप किस तरह से वाटरफॉल, जो धुआंधार वाटरफॉल है जबलपुर का सबसे फेमस वाटरफॉल, किस तरह से लग रहा है। देख सकते हैं आप, आनंद आ रहा है दोस्तों। कह सकता हूँ आपको जिंदगी में बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, जबलपुर तो आना चाहिए। अब मैं रोपवे द्वारा इस तरफ आ गया हूँ नदी के ओपोजिट साइड, पहले तो मैं उस साइड था वीडियो फर्स्ट में। यहाँ से भी दोस्तों वाटरफॉल का नज़ारा हम बिल्कुल पास जाके लेंगे, मतलब कि रोपवे से जब आए हैं तो वाटरफॉल के पास कुछ समय बिताएंगे। देख सकते हैं ताऊ जी किस तरह से अखबार का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम जब आप मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी धुआंधार वाटरफॉल की, तो मैं उस एंड पे था नदी के। अब मैं रोपवे से इस तरफ आ गया हूँ नदी के, और इस तरफ से जो ये वाटरफॉल है इसका आनंद ले रहा हूँ दोस्तों। और देख सकते हैं मिट्टी गीली हो चुकी है, मैंने बताया ही था कि पानी धुआं कितना उड़ता है इस वाटरफॉल से, तभी तो इसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। देख सकते हैं, और ये जो पत्तियां दिख रही हैं ना आपको, इनमें से जो बूंदें मेरे शरीर के ऊपर गिर रही हैं, और एक बारिश की तरह बहुत बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। हवा चल रही है इस समय, मेरे ऊपर बूंदें गिर रही हैं, शायद वीडियो में आपको ना दिख रही हो, लेकिन आप देख सकते हैं घास गीली है। मैं नीचे बैठ गया हूँ और नीचे बैठ करके एक वाटरफॉल की क्लिप ले रहा हूँ। देख सकते हैं कुछ निर्देश का पालन करने के लिए बोला गया है कि पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज है, तो छोटे बच्चों को और खुद भी लोग वहाँ पे ना जाइए क्योंकि खतरा पैदा हो सकता है दोस्तों। हमें इस चीज़ का पालन करना चाहिए, लेकिन तब भी पता नहीं काफ़ी लोग पालन नहीं करते। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं आप उनका पालन ज़रूर करिए दोस्तों। और देख सकते हैं शाम हो चुकी है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं, और उस समय अलग अलग व्यू से मैं आपको वाटरफॉल दिखाना चाह रहा हूँ। अब चाय का आनंद लूँगा मैं वाटरफॉल को देखते हुए। यहाँ चाय तो आम बात है पीना, लेकिन वाटरफॉल को देखते हुए पी के एक अलग ही आनंद आया दोस्तों। अब वापसी का समय आ गया है, काफ़ी टाइम बिताया, और वापसी में भी मैं आपको वाटरफॉल ज़रूर दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी पल रात हो सकती है, और इस समय व्यू तो देखिए वाटरफॉल का कैसा है। अब मैं तो आ चुका हूँ, मैंने जो वाइट मार्बल्स हैं दोस्तों उस पर ऑर्डर दिया हुआ था अपना नाम लिखने का, देखते हैं वो चीज़ हो गई है कि नहीं हो गई है। पहले यहाँ से तो उतरते हैं, इस समय मैं उतर रहा हूँ रोपवे से अपने। दोस्तों मज़ा आ गया इस चीज़, इस एडवेंचर को आप ज़रूर करिए।
ये देखो फिर व्हाइट मार्बल से मेरा नाम तैयार है ट्रैवल विद प्रभात। आप भी जब आइए तो कुछ यादगार के लिए इन व्हाइट मार्बल जो नर्मदा के किनारे हैं इन पर कुछ लिखवा करके ले जाइए। देख सकते हैं बाहर मार्केट वगैरह में काफ़ी चीज़ लगी हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी बस ना मिस हो जाए, क्योंकि शाम के बता रहे थे लोग मुझे 6-7 बजे आखिरी बस जाती है जबलपुर तक, जहाँ पर मेरा मेरा होटल है। पैदल चल करके देख सकते हैं मैं होटल के पास पहुंच चुका हूं और बस आ चुकी है। दोस्तों पहला दिन जो मेरा जबलपुर का था वो तो अब ख़त्म हो गया है। बहुत ही आनंद आया आज के दिन, मैंने धुआंधार वाटरफॉल देखा और नौका विहार से आनंद लिया व्हाइट मार्बल्स का, और रोपवे से फिर धुआंधार वाटरफॉल देखा, आनंद ही आ गया। दोस्तों चलिए मिलते हैं कल फिर से जबलपुर में अन्य वीडियो के साथ।